किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी रेडी हो रही है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी से टींडा फ्राई। आज टींडा फ्राई, तला हुआ टींडा बनाएंगे, बहुत ही मज़े का और टेस्टी टेस्टी सा टींडा बनाएंगे। आधा किलो के करीब मैंने टींडे ले लिए और टींडों को मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया था। इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा इसमें ऑयल डाल देंगे। हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें टींडों को गोल्डन कर लेते हैं। टींडे जो हैं हमारे गोल्डन हो चुके हैं, लाइट से गोल्डन हो गए। थोड़े से और डार्क करेंगे हम गोल्डन, फिर इसमें हम मसालेदार शामिल करेंगे। ये तले हुए टींडे इतने टेस्टी और यम्मी बनते हैं, ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और अब इंजॉय करें। जो हमारे टींडे हैं वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके के जब गोल्डन होंगे फिर हम निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होगा टींडों के अंदर, ये खुश्क और ड्राई होंगे। ठीक हो गया, इसको अब निकाल लेते हैं। इस तरह निकाल लेते हैं इसको, टींडे को सब निकाल दिए इसको, और अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। मैंने स्लाइस में कटा हुआ ले लिया है, तकरीबन 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं उसको स्लाइस में काट लिया है, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं उसको पीस में काट लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, डाल देंगे इसमें प्याज को भी गोल्डन कर लेंगे। जो है हमारा फ्राई हो गया था, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब इस प्याज को भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके का जब प्याज होगा तो हम इसको भी निकाल लेंगे और इसमें दूसरे मसालेदार शामिल करेंगे। ये देखिए आराम से निकल जाएगा, जितना निकलता है निकाल लें, अगर नहीं निकलता बाकी का तो रहने दें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया, बस इतना मैंने प्याज निकाल लिया। इसमें चले जाएँगे टमाटर जो हमने क्यूब में कटे हुए रखे थे, और इसमें मसाले डालेंगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ें। बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 6 से 7 अदद, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। नमक चला जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब, नमक चला जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगी 1/4 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, इसमें हल्दी चली जाएगी, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, मसाला बना लेंगे बहुत ही मज़े का टेस्टी टेस्टी। इसको बंद के रखती हूँ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद में मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। टमाटर को इस तरीके से हम मैश कर लेंगे, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, ये तकरीबन आपकी झटपट रेसिपी होगी और इतनी जल्दी से ये ख़त्म हो जाएगी ना आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से टींडे फ्राई करके, तो देखिएगा प्लीज़ एक बार। इस उसमें हमने टींडा और जो फ्राई करके रखे थे और प्याज रखे थे वो हम डाल देंगे। इतना नाइस फुल कलर आया इसका, इसको जरा सा हम भून लेंगे अच्छे से, इसको भी हम भूनेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार किस्म के टींडा फ्राई हमारे तले हुए रेडी हो गए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हमने हरा धनिया बारीक कटा बढ़ा देना और इसको डिश आउट करना है। मज़ेदार किस्म के इतने टेस्टी टेस्टी से यमी यमी से हमारे टींडा फ्राई रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।